कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीए और एनआरसी पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मापदंड सही नहीं है। भारत में समान अधिकार हर धर्म और हर जात के लिए है। पूरे देश में सीए एनआरसी पर चर्चा चल रही है, उसमें भारत के संविधान की मूल भावना सोशल जस्टिस की, भारत से समान अधिकार हर धर्म और हर जात के लिए है। यह बयान गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीए की आवश्यकता क्या थी, केंद्र को किसको नागरिकता देना है, ये अधिकार है। ये कानून इसलिए लाए हैं कि भाजपा को देश के मुसलमानों को डराना है। एक ओर आरएसएस कहती है जो भारत में जन्म लिया वो हिंदू है। ये लोग कभी कहते हैं आरक्षण बंद हो, कभी कहते हैं नदी बंद हो। ये मामले पर खुद झूठ बोलते हैं, इस बात को दावे से बोल रहा हूँ। देश का हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई राष्ट्रभक्त है। भाजपा के राष्ट्रवाद का मापदंड सही नहीं है। मांग करूं अमित शाह से और मोदी से, अरे नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की रजिस्टर बनाइए, अनएम्प्लॉयड लोगों का रजिस्टर बनाइए। सिटीजन रजिस्टर तो हमारे पास है, पहले से बना हुआ है। अरे आधार कार्ड पे हमारा बायोमेट्रिक लेते हो, आँख का देखते हो, आयरिस, और उसके बाद पूरा रिकॉर्ड आपके पास है। अब एनआरसी की जरूरत क्या है? आधार कार्ड आपके पास है, वोटर कार्ड आपके पास है, अब हमसे तुम मांगोगे कि हमारे पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहाँ से लाएंगे? और साथ में मैं बेरोजगारों से कहना चाहता हूं कि धर्म का पालन करो। धर्म के पालन करने में कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन इनके बहकावे में मत आओ। ये तुमको रोजगार दे नहीं रहे, तुमको उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जिसमें रोजगार नहीं मिलता। केवल भावनाएं भड़क कर लोगों को वोट कबाड़ने का एक माध्यम बना लिया है, इस बात को समझ जरूरत है। मेरी मांग है नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ अमित शाह को बनाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए। दिग्गी ने कहा कि भाजपा की नजरों में दिग्विजय सिंह देशद्रोही है। मोदी सरकार में इंटेलिजेंस फेलियर की जांच नहीं होती है। आज के समय एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देश के सभी धर्म के लोगों ने आजादी दिलाई, देश की अनेकता में एकता देश की पहचान है, जिसे मोदी शाह बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, भोपाल।